संजू का फाइनली ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, ट्रेलर आ चुका है यूट्यूब पे। आपने देखा ट्रेलर? हाँ देखा, मैंने देखा। कैसा लगा ट्रेलर आप? अच्छा लगा। क्या खास क्या लगा ट्रेलर में, क्या देखा आपने? उसकी जो लाइफ जर्नी बताइए, स्टोरी जो बताइए, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मतलब एक्टिंग वगैरह मत अच्छा लगा, ट्रेलर पे अच्छा लगा। किसको देखा आपने ट्रेलर में, और किस किस का काम आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा हो सकता है जब फिल्म आएगी? रणबीर कपूर और सोनम कपूर का काम मेरे को अच्छा लग रहा है। इन लोग दोनों में मेरे को अच्छा लगा, कुछ केमिस्ट्री है, उन लोगों का काम मेरे को अच्छा लग रहा है। और डायरेक्शन राजकुमार हिरानी डायरेक्ट कर रहे हैं फिल्म को, लग रहा है आपको फिल्म शॉर्ट शॉर्ट हिट होने वाली है, ब्लॉकबस्टर होने वाली है? हाँ वो तो डेफिनेटली अच्छी पिक्चर आएगी, देखते हैं अभी 29 जून को क्या है। हाँ ट्रेलर देखा मैंने, काफ़ी अच्छा। कैसा लगा? अच्छा है, और रणबीर कपूर जो है संजय दत्त के लुक में एकदम परफेक्ट है, और वैसे ही एक्टिंग कॉपी कर रहा है, कहीं से लग नहीं रहा है कि संजय दत्त नहीं का मतलब कॉपी मैच नहीं हो रहा उस पर, पूरा हो रहा। रणबीर के अलावा भी बहुत से और एक्टर्स हैं फिल्म में, ट्रेलर में जैसे देखा होगा आपने, किस किस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका काम बहुत ज़्यादा अच्छा होगा जब फिल्म रिलीज़ होगी? इसमें तो काफ़ी एक्टर हैं, सब अच्छे टैलेंटेड एक्टर हैं, बाकी फिल्म देखने ही पता चले कि उनका काम कैसा जाता है। जी ट्रेलर मैंने बिल्कुल देखा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्शन थी, बहुत मसालेदार लग रहा है, मैं ज़रूर देखने वाला हूँ ये पिक्चर। रणबीर का काम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, रणबीर कपूर और संजय दत्त तो मेरे फेवरेट है, एकदम फेवरेट, एक दोनों मेरे फेवरेट है, तो ज़रूर देखूंगा। और काम तो कुछ अब देखो फिर आपको पता चलेगा, पहले ट्रेलर देखो फिर फिल्म देखो। अच्छा है, काफ़ी मेहनत किया है बंदे ने, और काफ़ी संजू बाबा की काफ़ी हद तक स्टाइल उसने कॉपी करने की कोशिश की है, तो देखेगा, मैं ज़रूर देखेगा। अभी तो मैं ट्रेलर देखा है, आपने बोला मेरे को, तो मैं फिल्म अच्छी लगेगी मैं देखेगा ज़रूर, और लग रहा है फिल्म अच्छी है, देखिएगा। रणबीर के साथ बहुत से और भी कलाकार हैं, परेश रावल है, सोनम कपूर है, मनीषा कोइराला है, उनकी पूरी फैमिली को दिखाया है और दोस्तों को दिखाया है, क्या लगा ट्रेलर देख के आपको इन सब लोगों को ट्रेलर? अभी तो संजय बाबा का अभी देख रहा है, रणबीर की फिल्म पहले देखी है तो वो अच्छा करता है, अनुष्का शर्मा वो भी अच्छी एक्ट्रेस है, तो बहुत ज्यादा, लेकिन इन दोनों का मेकअप पहली बार है, मैचअप है, देखना है क्या कैसा होता है, अभी तो फिल्म देख के बताएगा मैं क्या कैसा। आपको लगता है कि रणबीर कपूर दिखा पाएंगे जो संजय दत्त की रियल लाइफ जो स्टोरी है उनकी बड़े पर्दे? ये तो नहीं आता, उसने कोशिश अच्छी की है, बॉडी शॉडी उसने पूरी बना करके, और पूरी उसने जो बाल होते हैं पूरे बड़े करके, तो उसने कोशिश उसने अच्छी की है, अब रिजल्ट क्या होता है वो तो पब्लिक ऊपर डिपेंड करता है, उसे कितना क्रिटिक देते हैं क्या होता है। अरे हाँ देखा, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा। कैसा लगा? बैंग ऑन ट्रेलर है, किलिंग है, लाइक वो रणबीर ने जो कैरेक्टर लिया है ना, इट वॉज लाइक आप सोच नहीं सकते, हाई लेवल का परफॉर्मेंस दे रहा है रणबीर का, मैं देखने जाऊँगा मूवी, आई लव्ड इट। आई थिंक मेन जो अगर हमें देखना चाहिए वो है रणबीर, जो किरदार निभा रहे हैं संजू का, वो मेन है, क्योंकि उसमें वो बोल रहे हैं कि AK-47 उन्होंने रखी थी और वो मना कर रहे हैं कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। आई थिंक वो है एक हमें जानने के लिए कि वो सचमुच उनके पास थी या नहीं थी, वो मेन है। बाकी ये जो परेश रावल जी कैरेक्टर निभा रहे हैं, जो किरदार कर रहे हैं वो लोग, वो भी इम्पॉर्टेंट है देखने के लिए कि एक फादर कैसा दिखाना चाहता है अपने बेटे को, वो अपने बेटे का साथ दे रहे हैं या उसको बोल रहे हैं कि तूने किया है गलत तो तू मानेगा, वो अब देखने पड़ेगा हमें, उसकी एक्साइटमेंट है हमें। तो संजू का ट्रेलर रिलीज हुआ आज, देखा आपने ट्रेलर? देखा। कैसा लगा यार? मेरे को बहुत बढ़िया लगा ट्रेलर, बहुत बढ़िया। ये ट्रेलर, ये मूवी रणबीर कपूर का लाइफ चेंज कर देगा मे बी, पर अभी जितने लोग भी रुक रहे थे रणबीर कपूर का काफ़ी गैप पड़ा है, पर अभी रणबीर कपूर का पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा, और मे बी संजय दत्त के बारे में सबको असलियत मालूम पड़ जाएगी क्या है क्या नहीं। लगता है आपको उस तरह से वो दिखा पाएंगे जो संजय दत्त की रियल लाइफ स्टोरी जो है? वो तो डायरेक्टर पे डिपेंड करता है, पर एज ए कैरेक्टर रणबीर कपूर ने बहुत अच्छी तरह से निभाया है, बॉडी लैंग्वेज, आवाज़, टोन बहुत अच्छी तरह से निभाया। फिल्म में और भी कई एक्टर्स हैं, सोनम कपूर हैं जैसे अपने ट्रेलर में देखा, परेश रावल है जो उनके पिता का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, कैसा लग रहा है इन सबको देख के एक साथ? मैं मनीषा कोइराला के लिए वेट कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो पर्दे पर दिखे नहीं हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि नरगिस जी की लाइफ और मनीषा जी की लाइफ थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, क्योंकि उनको भी कैंसर हुआ था, तो मैं भी वो अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे खुद को एज अ मदर ऑफ संजू, तो देखते हैं अभी कैसा लगता है। अच्छा लगा ट्रेलर, बहुत ही अच्छा लगा, मैं टीज़र देख के ही लग गया था कि ट्रेलर एकदम फाड़ू आने वाला है, और इसके बाद ट्रेलर तो देखा मैंने, और मूवी तो इससे भी हाई लेवल पे जाने वाली, सुपर जाने वाली। रणबीर को जब ट्रेलर में देखा आपने, आज जब ट्रेलर लॉन्च हुआ, रिलीज़ हुआ,
उनको देख के क्या लगा कि जस्टिफाई कर पाएंगे संजय दत्त के कैरेक्टर को रियल लाइफ के? संजय दत्त के किरदार तो अभी निभा रहे हैं अच्छे से, बाल वाल भी है, बॉडी वॉडी भी बनाए हैं और आवाज़ भी थोड़ी बहुत मिल जुल रही है। मेरे को लग रहा है कि अच्छा ही जाएगा ये रणवीर कपूर का। तो फिल्म देखोगे आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो की अच्छे रिव्यूज़ आएंगे ऐसे कुछ उसके बाद देखोगे आप? नहीं, फर्स्ट डे तो नहीं देखूंगा, पर दूसरे तीसरे मतलब दिन देखूंगा। हाँ, देखूंगा।